जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। 25 जून 2019 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि मध्य रात्रि 2:13 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाए। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 3:44 से लेकर 5:25 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप परहेज करें तो ही बेहतर है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आपकी पढ़ाई में सफलता, नौकरी ना मिल पाना या बार बार आपका प्रमोशन रुक जाना या सरकारी कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफर हो जाता है या आपका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया है, आप पर कर्जे का बोझ चढ़ता जा रहा है या आपके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है या आपका विवाह तो हो गया है परंतु गृहस्थ जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति ही बनी रहती है या आपके बच्चों का स्वास्थ्य या आपके प्रियजनों का स्वास्थ्य या आपका खुद का स्वास्थ्य आए दिन बिगड़ जाता है या अपने जीवन में आप अन्य किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिसे करने से आप शिव जी और माता पार्वती के आशीर्वाद से अपने विवाह में आ रही सभी अड़चनों से निजात पा सकते हैं और आपकी शादी जल्द से जल्द तय हो सकती है। यह उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है और आज इस उपाय को जानने के लिए आप लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज का दिन आपके लिए लाभप्रद है। आज जो भी योजना बनाकर आप अपने कार्य को करेंगे उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता आज प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और वो कार्य शीघ्र ही आपको अपने रिजल्ट्स भी देने लगेंगे। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय को और दूसरे के समय को मूल्यवान समझें। ना तो आप अपना समय वेस्ट करें और ना ही किसी और के समय की बर्बादी होने दें। उनके समय का भी आपको आदर करना चाहिए। देखिए भक्तगणों, समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकता और कितना भी पैसा हो परंतु आप समय को नहीं खरीद सकते, इसलिए आपको समय का महत्व समझना चाहिए। आज आपको किसी दूसरे शहर जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। आज अपने वर्क प्लेस पर आपके बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आज आप दूसरों के वाद विवाद भी सुलझाएंगे। यदि आप अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। सभी मेष राशि वाले जातकों को यदि वो अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो उन्हें अपने हाथ में एक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी धारण करनी चाहिए। इससे उनका अपनी कार खरीदने का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। ध्यान रहे भक्तगणों, एक मंत्र से अंगूठी ही आपको फायदा पहुंचाने में सक्षम है और यदि आप हमारे मंदिर से ये मंत्र से अंगूठी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करना चाहिए।
आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। आइए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि जो अधूरे कार्य आपके रह गए थे आज उनके कंप्लीट होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए आज आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। आपके जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे आज वो भी गति पकड़ेंगे और इस दिशा में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और प्रोजेक्ट्स को दोबारा अपने निर्धारित टाइमलाइन पर लेकर आ जाएंगे। अपने व्यवसाय में आज आपको लाभ होने की संभावनाएं बनी है। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और मानसिक तौर पर भी आज आपके मन में अच्छे विचार ही उत्पन्न होंगे। आज का दिन आपका अपने सहकर्मियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ हंसी मजाक करते हुए हर्ष और उल्लास के साथ ही बीतेगा। आज आपको अपने इनकम भी इंक्रीमेंट होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और आज आपके बॉस आपको आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो इनकम है वो कम है और आप अपने इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं, तो सभी वृषभ राशि वाले जातकों को अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी धारण करनी चाहिए। इससे निश्चित तौर पर उनकी इनकम में वृद्धि होना तय है। ध्यान रहे भक्तगणों, एक मंत्र सिद्ध अंगूठी ही आपको लाभ पहुंचाने में सक्षम साबित होगी, इसलिए आपको किसी योग्य विद्वान द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को ही अपने हाथ में धारण करना चाहिए। और यदि आप हमारे यहाँ से ये अंगूठियां ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करना चाहिए और जल्द से जल्द एक मंत्र से पुखराज धारण करके अपनी इनकम को बढ़ा लेना चाहिए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज का दिन आपके लिए उठा पटक वाला है। आज आपको कुछ खुशखबरियां भी सुनाई दे सकती हैं और वहीं आपको कुछ अशुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप कभी तो बहुत खुश होंगे और कभी आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। आज आप कंफ्यूजन की स्टेट में भी होंगे और एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। प्रिय भक्तों, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आपको आज मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। इससे आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा, सभी नेगेटिव विचार आपके मन से दूर भागेंगे और आज पॉजिटिव विचारों पर फोकस करके आप एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं और मानसिक तौर पर भी आज आप तनावग्रस्त रहेंगे। आज आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होगा और अपनी जो असमंजस की स्थिति है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, उसको देखकर आपको अपने अंदर ही अंदर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होगा। आज आपका अचानक कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है। सभी मिथुन राशि वाले जातकों को मेरी ये सलाह है कि उन्हें अपना राशि रत्न यानी कि पन्ने की एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित अंगूठी अपने हाथ में धारण करनी चाहिए। इससे निश्चित तौर पर उनकी जो सभी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। वो अपने इनकम के क्षेत्र में, अपनी जॉब के क्षेत्र में, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में और अपने घर के क्षेत्र में, पारिवारिक शांति के क्षेत्र में, अपने विवाह के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इस अंगूठी को धारण करते ही जल्द ही लाभ महसूस करेंगे। प्रिय भक्तों, ध्यान रहे, एक मंत्र से अंगूठी ही आपको फायदा पहुंचाने में सक्षम है और यदि आप हमारे मंदिर से ये मंत्र से अंगूठी प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु रजनीश ऋषि जी स्वयं इन अंगूठियों को अभिमंत्रित करते हैं और आप इनको प्राप्त करने के लिए तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार दूंगा। प्रिय भक्तगणों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आई हूँ।
हमारे शनि पीठ मंदिर से हर महीने आप सभी को अब एक फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। जितने भी YouTube पर हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी को जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उन सभी को एक फ्री गिफ्ट यानी कि तोहफा हमारे शनि मंदिर की ओर से दिया जाएगा, जो कि आपके घर तक हम आपको डिलीवर करेंगे बाई पोस्ट या कुरियर के थ्रू। इस फ्री गिफ्ट को पाने के लिए आपने केवल इतना करना है, जो वीडियोस आप हमारी देखते हैं उसके अंदर आपको एक छोटा सा कोड दिया जाएगा, जैसे कि 444। इस कोड को आपने नोट करना है और हमारी 12 वीडियोस में जो अलग अलग कोड आएंगे उस कोड को आप नोट करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने पते के साथ मैसेज करें, ताकि हम फ्री गिफ्ट आपके घर तक आपको पहुंचा दें। हर महीने हमारी वीडियोस में 30 अलग अलग कोडों को दिया जाएगा, जिसमें से केवल 12 कोड आपने हमें देने हैं। जैसे ही आपके द्वारा दिए गए 12 कोड हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपके एड्रेस के साथ हमें मिलेंगे, विदिन 3 डेज यानी 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ से आपका फ्री गिफ्ट आपको भेज दिया जाएगा। 15 जुलाई 2019 तक प्रत्येक व्यक्ति को जो हमें 12 अलग अलग कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, उन सभी को हमारे शनि मंदिर द्वारा नवग्रह शांति कवच आपके घर तक आपको भेजा जाएगा। इस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए आपने कोई भी पैसा नहीं देना है। पोस्ट का चार्ज, कुरियर का चार्ज, पोस्ट ऑफिस का चार्ज, वो सभी हमारी तरफ से दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ये गिफ्ट आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए हमारे सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और आखिर तक देखते रहें। कब आपको वो कोड मिले उस 3 डिजिट के कोड को आप नोट करें और हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। ध्यान रखें, 15 जुलाई 2019 से पहले आपने 12 अलग अलग कोड कलेक्ट करके हमें एक साथ अपने पूरे पते और पिन कोड नंबर के साथ हमारे किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, ताकि हम आपको आपका फ्री गिफ्ट आपके घर तक पहुंचा सकें। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी ही किसी गलती की वजह से, आपकी ही भूल चूक की वजह से आज आप चोटिल हो सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। आज बिना सोच विचार किए हुए आप किसी भी कार्य को ना करें, अन्यथा आपको भविष्य में चलकर भी अपने इस डिसीजन का बुरा असर झेलने को मिल सकता है। आज अपने परिवार में अपने परिवारजनों के साथ आपका किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, जिससे आज आपका मन खट्टा रहेगा और आपका जो मूड है वो ऑफ ही रहेगा। आज आपके सामने कई सारे अनावश्यक खर्चे भी आ सकते हैं, जिससे आप तनावग्रस्त महसूस करेंगे। आज आपके शरीर में स्फूर्ति, चुस्ती, दुरुस्ती इन सब का अभाव रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्य में रुचि ले पाने में असक्षम होंगे और विशेष तौर पर स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वे अपने शेड्यूल से पिछड़ सकते हैं। सभी कर्क राशि वाले जातकों को मेरी यह सलाह है कि यदि वे अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या एग्जाम्स में मेहनत करने के पश्चात भी नंबर कम आते हैं, तो उन्हें अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। इससे उनकी जो पढ़ाई में रुचि है वो बढ़ेगी और जो भी एग्जाम्स वो अपने जीवन में देंगे उनमें वो सफलता प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तगणों, ध्यान रहे कि आप एक मंत्र सिद्ध अंगूठी को ही अपने हाथ में धारण करें, क्योंकि वही आपको मन वांछित फल देने में सक्षम होती है। और ऐसे ही किसी ज्वेलर से अंगूठी लेकर धारण करने से आपका उसको कोई भी फायदा नहीं प्राप्त होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो उसमें आपके जीवन साथी के साथ से आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। आज आप उनकी सलाह पर ध्यान दें। आज उनकी सलाह में आपकी समस्या का हल छिपा हो सकता है। आज आप इमोशनल रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ इस्टैब्लिश करेंगे, कुछ ऐसे पल जिएंगे जिनसे आपका एक इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो जाएगा। आज आपका समय अपने भाई बंधुओं के साथ बीतेगा और आज आप उनके साथ मिलकर
किसी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाएंगे। आज यदि आप अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप सभी लोगों को उसमें फायदा हो। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकती है जिससे आप बहुत समय से मिलने की इच्छा रखते थे। आज आपकी सफलता देखकर आपके मित्र आपकी तारीफ करेंगे। आज आपकी रुचि कला के क्षेत्र में भी बढ़ेगी। सभी लियो राशि वाले जातकों को मेरी यह सलाह है कि यदि वे अपने घर बनाने का सपना रखते हैं और जल्द ही अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो उन्हें अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। इससे निश्चित तौर पर उनका अपना घर बनाने का सपना जल्द से जल्द साकार हो सकता है। ध्यान रहे भक्तों, आप एक मंत्र सिद्ध अंगूठी को ही अपने हाथ में धारण करें, उसी से आपको फायदा पहुंचेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके विरोधी आपकी आलोचना करके आपको क्रिटिसाइज करके आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप उनकी आलोचना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से उनकी योजना विफल हो जाएगी। जो भी लोग आपके शत्रु हैं, चाहे वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हों या आपकी सक्सेस से जलने वाले लोग, आज उन सभी पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आज आप उनकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने देंगे। अचानक कोई शुभ समाचार प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। आज आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। सरकारी कर्मचारियों को अपने मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर मिलने की सूचना आज प्राप्त हो सकती है, जिससे उनके घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। मेरी आपको सलाह है कि आप आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, अन्यथा आपकी जो रिलेशंस हैं वो खराब हो सकते हैं। सभी कन्या राशि जातकों को मेरी ये सलाह है कि यदि वे अपने जॉब के क्षेत्र में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे उनको नौकरी ना मिल पा रही हो या नौकरी तो है परंतु बहुत समय से उनका प्रमोशन अटका हुआ है या उनका बार बार ट्रांसफर हो जाता है जिससे वो परेशान है, तो उन्हें अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी को अवश्य धारण करना चाहिए। और जल्द से जल्द यदि आप इस मंत्र से अंगूठी को धारण करते हैं तो आप अपने करियर में ऐसी ग्रोथ दिखेंगे जिससे आपको कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आइए अब जानते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अपनी योग्यता की वजह से आपके बॉस के द्वारा प्रमोशन की शुभ सूचना
प्राप्त हो सकती है, जिससे आज आपके घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। आज आपको अपने बच्चों से भी कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका सर आज गर्व से ऊंचा हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति यदि आज किसी यात्रा पर जा रहे हैं या उनके क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग है, तो उसमें उन्हें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। वो अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जीत पाने में सफल होंगे। आज आप ऐसी आर्थिक योजनाएं बनाएंगे जो लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। आज महिलाओं का आभूषणों खरीदने पर खर्चा हो सकता है और आज अपने मनोरंजन के लिए भी आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं। आज आपके मनोबल में भी वृद्धि होगी। सभी तुला राशि वाले जातकों को मेरी ये सलाह है कि यदि वे बार बार बीमार पड़ते हैं और अब वो इससे तंग आ चुके हैं और स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, तो उनको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी निश्चित तौर पर धारण करनी चाहिए। इससे उनका जो स्वास्थ्य है वो सर्वदा उत्तम बना रहेगा। प्रिय भक्तों, ध्यान रहे, एक मंत्र सिद्ध अंगूठी ही आपको फायदा पहुंचाने में सक्षम साबित होगी। इसलिए आप किसी भी ऐरी गहरी जगह से अंगूठी को खरीद कर ना पहने, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। यदि आप हमारे मंदिर से स्वयं गुरु रजनीश जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अभी ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क करना चाहिए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का राशिफल। आज आपका माइंडसेट नेगेटिव रहने वाला है, जिसकी वजह से आप आज परेशान रहेंगे और किसी भी कार्य में आज आपकी रुचि नहीं रहेगी। आत्मविश्वास की कमी की वजह से जो भी कार्य आज आपके हाथ में होगा, उसे आप कर पाने में खुद को असक्षम महसूस करेंगे। मेरी आपको सलाह है कि मेडिटेशन का सहारा लें। इससे आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो आपके शरीर से, आपके मन से बाहर निकल जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी का अपने शरीर में संचार होने से आपका आत्मविश्वास पुनः लौट कर आ जाएगा। आज आपको किसी भी स्थिति में गुस्सा करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से बड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसी सिलसिले में मेरी आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर भी आज आप संयम बनाए रखें। वाद विवाद से बचना ही आपके लिए सही रहने वाला है। आज आपको प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप घबराएं नहीं और मेहनत करके और साहस के बल पर इन प्रतिकूल हालातों का सामना करते हुए इनको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपको कोई मौसमी बीमारी घेर सकती है। आज आपको अपने इष्ट देव को स्मरण करना चाहिए। जिन भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, जिन पर आप विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा करके आज आप उनसे आशीर्वाद मांगे कि वो आपको किसी भी स्थिति में विचलित ना होने दें। सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को मेरी ये सलाह है कि उन्हें अपने हाथ में एक अपनी राशि रत्न यानी कि मूंगे की अंगूठी को अवश्य धारण करना चाहिए, जो कि किसी योग्य पुरुष ने मंत्र सिद्ध कर रखी हो। इससे निश्चित तौर पर उनको सभी प्रकार की परेशानियों में फायदा महसूस होगा, उनकी परेशानियां हल होंगी और वो एक चैन का जीवन जी पाने में समर्थ होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं धनु राशि का आज का राशिफल। जो भी लोग पुलिस फोर्स में तैनात हैं या आर्मी में भर्ती जवान, आज उन्हें अपने साहस और शौर्य को दिखाने का मौका प्राप्त हो सकता है, जिससे आज उन्हें कोई मेडल या पुरस्कार इत्यादि भी मिल सकता है और अपने उच्च अधिकारियों के सामने भी आज उनको प्रशंसा मिलेगी। आज यदि आपको किसी यात्रा पर जाना है तो वो भी मंगलमय बीतेगी। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बड़ी सरलता से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। आज अपने गृहस्थ जीवन में आप संपूर्ण आनंद की अनुभूति करेंगे, क्योंकि आज आपका अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत ही बेहतरीन रिश्ता कायम होगा और आप उनके साथ ऐसे पल जिएंगे जिनको आप पूरी जिंदगी याद करके खुश होंगे। आज आप अपने लाइफ पार्टनर की
मन की बातों को पहले से भाप कर उनको प्रसन्न कर देंगे और उन्हें भी लगेगा कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आज आपकी इनकम में वृद्धि के योग भी बने हुए हैं। आज आपको अपने मनपसंद की वस्तुओं को खाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है और आज आपको किसी शादी समारोह या किसी जन्मदिन समारोह का निमंत्रण भी प्राप्त हो सकता है। सभी धनु राशि वाले जातकों को मेरी यह सलाह है कि यदि वे जल्द से जल्द अपने सपनों के मकान को बनाना चाहते हैं, अपने सपनों का मकान खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें अपने हाथ में एक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। इससे उनका अपना घर बनाने का सपना जल्द से जल्द साकार हो सकता है। प्रिय भक्तों, याद रहे कि एक मंत्र से अंगूठी ही आपको ये फायदा पहुंचा सकती है और यदि आप हमारे मंदिर से ये अंगूठी ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको तुरंत स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमें संपर्क करना चाहिए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आज शिवजी और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। आज आपको शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाना चाहिए और दूध चढ़ाते वक्त शिवजी को ध्यान करते हुए उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके विवाह में आ रही सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें और आपकी शादी के योगों को और मजबूत करें। माता पार्वती को भी आज याद करते हुए आपको यही प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ये उपाय नित्य करना चाहिए और जल्द से जल्द श्रद्धा पूर्वक ये उपाय करने से आपके जो विवाह के योग हैं वो मजबूत होंगे और आपकी जो शादी है वो जल्द ही तय हो जाएगी। आइए अब जानते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन राशि का आज का राशिफल। आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट का टीम लीडर नियुक्त किया जा सकता है और आपको आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी ही सावधानी से और सतर्कतापूर्ण निभाने का प्रयास करना चाहिए। आपको इस अपॉर्चुनिटी का भरसक फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ बैठकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निर्धारित करना चाहिए। आपको एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए जिससे आप ये चेक कर सकें कि आपका प्रोजेक्ट सदैव प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे और अपनी टाइमलाइन को फॉलो करते रहे। इस मौके को आपका भरपूर फायदा उठाना चाहिए क्योंकि भविष्य में चलकर ही यह आपको प्रमोशन के अवसर प्राप्त करवा सकता है। व्यापारिक लोग आज अपने बिजनेस के विस्तार के लिए किसी स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको अपने संतान से, अपने बच्चों से, उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की वजह से गर्व का अनुभव होगा। आज यदि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो आप सभी को उसमें फायदा होगा। सभी मकर राशि वाले जातकों को मेरी यह सलाह है कि यदि वे अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि उनका आए दिन अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा हो जाता है तो उन्हें अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में एक मोती की अंगूठी जो कि मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित हो उसको धारण करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर उनकी जो ग्रह कलेश है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि का आज का राशिफल। आज का दिन आपके लिए बेहतरीन बीतने वाला है क्योंकि आज सभी कार्य आपके मन मार्फिक पूरे हो। आज इसी की वजह से आपके आत्मबल में भी वृद्धि होगी और मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। अपने कार्य को पूरा होता देख आज आपके सभी मानसिक तनाव भी दूर हो जाएंगे। आज यदि आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन शुभ है। यदि आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता तय। अपने वर्क प्लेस पर आज आपके बॉस
आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं, जिसकी वजह से जल्द ही भविष्य में चलकर आपको प्रमोशन मिल सकता है। अपने गृहस्थ जीवन में भी आज आप आनंद की अनुभूति करें। सभी कुंभ राशि वाले जातकों को मेरी ये सलाह है कि उन्हें अपना राशि रत्न यानी कि नीलम की एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित अंगूठी अपने हाथ में अवश्य ही धारण करनी चाहिए। इनसे वो अपने जीवन में आ रही सभी कठिनाइयों से पार पा लेंगे। अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने पारिवारिक संबंधों में, अपनी इनकम में वो ऐसी वृद्धि महसूस करेंगे जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। इसलिए सभी कुंभ राशि वाले जातकों को अवश्य ही नीलम की मंत्र से अंगूठी धारण करनी चाहिए और ये अंगूठी आप हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करना चाहिए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आज का कोड है 2-3-1। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका बेकार की चीजों पर धन खर्चा होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर, अपनी इच्छाओं पर काबू रखने की आवश्यकता है, अन्यथा महीने का अंत आ रहा है और आपके फाइनेंशियल बजट के बिगड़ने की वजह से आपको उधार लेने की नौबत भी आज आ सकती है। आज आपको किसी भी प्रकार के निवेश से बचना चाहिए और विशेष तौर पर अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी आज आपको उधार देने से परहेज करना चाहिए। इसकी वजह से आपको अपना दिया हुआ पैसा आज प्राप्त नहीं होगा और आपके संबंध भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खराब हो सकते हैं। आज आपको मानसिक तनाव से बचना चाहिए और अपने ऊपर शक करने के बजाय और अपने आप को कोसने के बजाय सैटिस्फैक्शन फील करना चाहिए। जो भी आपने अपने जीवन में सुख कमाए हैं, धन कमाया है, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। अपने प्रयासों को कम ना होने दें, मेहनत करते रहें, निश्चित तौर पर भविष्य में चलकर आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी लोगों का यदि धन कहीं पर अटका हुआ था, कोई उधार लेकर गया हुआ था, तो वो धन आज आपको प्राप्त हो सकता है और यदि आज आप रेंट लेना चाहते हैं अपने किराएदारों से तो उसके लिए भी दिन शुभ है। आपके किराएदार निश्चित तौर पर आज आपको आपका रेंट दे देंगे। अपने स्वास्थ्य के विषय में आपको आज संभल कर रहना चाहिए क्योंकि आज आपको कोई मौसमी बीमारी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आज आपका मन डगमगा सकता है और आप आज कोई अनैतिक कार्य कर सकते हैं, परंतु इसका भविष्य में चलकर आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में भाग ना लें जिससे भविष्य में चलकर आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सके। सभी मीन राशि वाले जातकों को मेरी ये सलाह है कि उन्हें अपनी सभी परेशानियों से बचने के लिए अपनी राशि का रत्न पुखराज निश्चित तौर पर, जो कि एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित अंगूठी हो, उसे धारण करना चाहिए। उससे उन्हें अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। क्या आप अपने विवाहित जीवन से सुखी नहीं है? क्या आप पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है? क्या आपके घर की शांति सास ससुर या नंद के कारण खराब हो रही है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।